हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करामाजू सरकारी नौकरी में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वीडियो नंबर 14, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हमने करामाजू सरकारी नौकरी पर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम रोज़ आपको हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट, मिसलेनियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और समय समय पर एडमिट कार्ड या गवर्नमेंट संबंधित हर जानकारी अपडेट कराते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की हमारी वीडियो, जिसका नाम है महेंद्रगढ़। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है महेंद्रगढ़। स्थापना 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा बना था तो उसमें 7 जिले थे, उनमें एक जिला महेंद्रगढ़ भी था। नेक्स्ट, मुख्यालय नारनौल, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसका उसमें अलग मुख्यालय है, तो वो है नारनौल। नौ का मेवात में है दोस्तों, दो है ये, सॉरी। लिंगानुपात 844। यहाँ के प्रमुख नगर की बात करूँ तो दोस्तों, कणीना, अटेली, नांगल चौधरी। नेक्स्ट, राजा महेंद्र के नाम पर इसका महेंद्रगढ़ पड़ा था नाम। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कहनोड़। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ और उसके आसपास के गांवों का आरंभ अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के दादा अनंगपाल के काल में हुआ था। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ पर्यटन केंद्र के मामले में हरियाणा में दूसरे नंबर पर है। हरियाणा में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़। हरियाणा में हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ में बनती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा महेंद्रगढ़ औद्योगिक रूप से हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जियां महेंद्रगढ़ में होती हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला जो संपूर्ण बीमित है, यानी कि बीमित है, बीमा करा रखा है इसका। नेक्स्ट, उद्योग यहाँ के प्रमुख पशु आहार उद्योग, खनन उद्योग इम्पोर्टेंट। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद है, जो महेंद्रगढ़ में उनका जीवन था, वो महेंद्रगढ़ में उनका जन्म स्थल माना जाता है। नेक्स्ट, नारनौल में एक वीर्य बैंक है जहाँ तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। नेक्स्ट, नारनौल को तालाब और बावड़ियों का नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, हिसार, सिरसा, ये रेतीली भाग में आते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ सिंचाई नलकूपों की सहायता से या फुहारे द्वारा होती है। नेक्स्ट, 1543 में नारनौल में बीरबान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके गुरु का नाम था उदयास और काव्य ग्रंथ था साहिब कहलाते हैं। दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया गया है कि जो वीरबान का गुरु का क्या नाम था, तो उसका नाम था उदय दास। प्रमुख खनिज तांबा, बेराइट, अबरक और नार, ये नारनौल में है दोस्तों। नेक्स्ट, एस्बेस्टस ऐसा पदार्थ था जो आग में नहीं जलता, कहाँ है? महेंद्रगढ़। संगमरमर, मार्बल, मैगनीज, कच्चा लोहा, लोहा आवश्यक, कहाँ है? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ में हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कहाँ पे है? जंतपाली गांव में। 2009 में ये बना था। नेक्स्ट, जल महल कहाँ है? नारनौल। इस महल का निर्माण नारनौल के जगाधारी शाकुली खान ने 1591 में करवाया था। यह जल महल एक विशाल तालाब के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, शाकुली खां मकबरा नारनौल, इसका निर्माण स्लेटी एवं लाल पत्थरों से किया गया है। इस वास्तुशास्त्र में पठान शैली का प्रयोग किया गया है। शाकुली खां ने यहाँ एक कोसर बाग का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट, इब्राहिम खां सूरी का मकबरा। इब्राहिम खां सूरी का मकबरा दोस्तों नारनौल, इब्राहिम लोदी, वो कि इब्राहिम का हो
वो अलग मैटर। दूसरा जो है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम सूरी की याद में करवाया था। नेक्स्ट चोर गुंबद, शाह विलायत खां मकबरा, जिसे चोर गुंबद भी बोलते हैं और शाह विलायत भी बोलते हैं, कहाँ पर है? नारनौल। नेक्स्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नारनौल। नेक्स्ट नसीबपुर, यहाँ पर ब्रिटिश शासकों ने स्वतंत्र सेनानियों का कत्ल किया था। कहा जाता है कि जिस समय रक्तपात हुआ धरती भी खून से लाल हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ 1857 की क्रांतियों का शहीद स्मारक भी है। नेक्स्ट दोहन नदी, यह मौसमी नदी है जो साहिबी के साथ बहती है। यह डोसी से निकलती है। यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी के नेत्रों से निकली थी। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, इसका निर्माण महेंद्रगढ़ जिले में कृषि विकास तथा सूखा रक्त कार्यक्रम को के अंतर्गत किया गया था। इस प्रणाली द्वारा 1976 में पानी छोड़ा गया था। वर्ष 1987 में पड़े भयंकर सूखे के दौरान खरीफ फसल को बचाया गया था। नेक्स्ट महेंद्रगढ़ नहर प्रणाली की क्षमता 1700 क्यूसेक पानी ग्रहण करने की है। नेक्स्ट हरियाणा में अरावली मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल है। नगर के दक्षिण पश्चिम में यह कुलतांजपुर गांव है, जो कि 652 मीटर ऊंचा है। यह डोसी की पहाड़ी कहलाती है। डोसी तीर्थ कहाँ? ये नारनौल में है। चैवन ऋषि चैवन का तपोस्थल डोसी तीर्थ। नेक्स्ट कान्नौड़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट माधोगढ़ का किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर यह किला स्थित है। इसे माना जाता है कि इस किले का निर्माण माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया। नेक्स्ट बीरबल का छत्ता नारनौल, यह 5 मंजिला इमारत है और पहले इसका नाम राय मुकसदास का छत्ता था। इसका निर्माण यहाँ के दीवान राय ए राइन ने शाहजहाँ के शासनकाल में करवाया। बीरबल का अक्सर यहाँ आना जाना है, इसलिए इसे बीरबल का छत्ता कहा जाने लगा। इसमें एक सुरंग भी है। नेक्स्ट हमजा पीर की दरगाह नारनौल, सहन हमजा पीर पे एक दोस्तों एक अवधारणा है, यहाँ पर गड्डी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट शाह निजाम का मकबरा नारनौल, चामुंडा देवी मंदिर नारनौल, बागो तीर्थ नारनौल, माधववाड़ा तीर्थ मंदिर नारनौल, दशमेश गुरुद्वारा नारनौल, प्रमुख मेले डोसी का मेला नारनौल, बाबा बिलाईनाथ का मेला महेंद्रगढ़, केसरिया का मेला महेंद्रगढ़, शिवजी का मेला बागोद, हनुमान जी का मेला नारनौल। यहाँ के प्रमुख व्यक्ति बात करूँ दोस्तों, रामविलास शर्मा दोस्तों ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अगर आपने करंट कैबिनेट के निर्वाचित क्षेत्र और वे किस किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है, आप उसे ज़रूर देखें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। ये महेंद्रगढ़, इनका जन्म 1949, बाबा रामदेव रामकिशन यादव, जन्म 25 दिसंबर 1965 को अली सैयदपुर गांव में हुआ था, तथा हरियाणा की आयुर्वेद की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव हैं। सतीश कौशिक फिल्म से हैं। संदीप कुमार पैदल चाल, ये भी महेंद्रगढ़ से हैं। सांसद धर्मवीर महेंद्रगढ़ और भिवानी से, दोनों से। विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा, अटेली से संतोष यादव, नारनौल ओम प्रकाश, नांगल चौधरी अभय यादव। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक नारनौल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों एक बेल आइकन की आपको दिखाई दे घंटी दिखाई देगी, ऐसे करके उसको दबाओगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगर ये दोस्तों अब से मैं
टोटल 14 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और वहाँ से आप वीडियो को ज़रूर देख पाएंगे। तो दोस्तों, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, मिलते हैं एक अपडेट वीडियो के साथ। थैंक यू।